आप देख रहे हैं अंक बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि ये जो खबर आपको मैं बताने जा रही हूं, आज सुबह 10:30 बजे के करीब मेटाडोर में एक्सीडेंटल फायर जो है हुआ है और उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो घायल हुआ है, जिसे गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उसके बाद उसे GMC ले जाया गया। ये पूरा वाक्य क्या है आपको बता दें कि मेटाडोर में एक सिक्योरिटी गार्ड सफ़र कर रहा था, सुरजीत सिंह नामक ये व्यक्ति है जो कि अपने स्थान के लिए जा रहा था और वहीं पर उसकी जो गन थी वो लोडेड थी, जिसके चलते आपको बता दें कि लापरवाही ये कहेंगे कि उसके चलते जो एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिसमें एक जम्मू यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो घायल हुआ है। और विजुअल्स में हम आपको देख पा रहे हैं कि ये मेटाडोर जो है ये ग्रीन बेल्ट पार्क के पास के करीब का जो है ये दृश्य है जहां पर एक्सीडेंटल फायर हुआ है और ये जम्मू यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो जख्मी हुए हैं और पुलिस ने इसको लेकर जो है जांच शुरू कर दी गई है। और मिनी बस की बात की जाए तो उसको भी जो है वो सीज कर दिया गया है और उस व्यक्ति को लेकर जो है वो जांच भी जो है की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि आप लोग जिस तरह से मेटाडोर में सफ़र करते हैं, खासतौर से सिक्योरिटी पर्सन्स की बात की जाए तो उनके साथ जो है वो गन रहती है, लेकिन ऐसे में वो लापरवाही अगर इस तरह से चलती रहेगी तो कोई ना कोई नुकसान जो है वो ज़रूर होगा। फिलहाल की आज सुबह के 10:30 बजे की ये खबर है, व्यक्ति जो है त्रिकुटा नगर के लिए जा रहा था और ग्रीन बेल्ट पार्क के पास पहुंचते समय जो है एक्सीडेंटल फायर जो है सुरजीत सिंह नामक सिक्योरिटी गार्ड की गन से जो हुआ है, जो उनकी गन थी वो लोडेड थी और उससे ये एक्सीडेंटल फायर हुआ है, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो जम्मू यूनिवर्सिटी में कार्य करते हैं वो जख्मी हुए हैं और जिन्हें गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद GMC अस्पताल ले जाया गया। और इस तरह का वाक्य जो है सामने आया है और पुलिस हरकत में आई है, उसको लेकर जांच जो है की जा रही है। मेटाडोर की बात की जाए तो मेटाडोर को भी सीज कर दिया गया। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 10:30 बजे का ये वाक्य है, ग्रीन बेल्ट पार्क आकाश इंस्टीट्यूट के पास ये मेटाडोर खड़ी थी जहाँ पर ये एक्सीडेंटल फायर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति जो है जो जम्मू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो जख्मी हुआ है, जिसे गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसके बाद GMC रेफर किया गया। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इस पर भी कार्रवाई जो है की जा रही है, मिनी बस को सीज किया गया है और पुलिस जो है इसको लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं आ जाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें अंक बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, अंक बाइट्स जम्मू।